तो ये जो दिल्ली का कंझावला केस है, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। अंजलि दिल्ली के जिस करण विहार वाले घर में रहती थी, उस घर का बीती रात किसी ने ताला तोड़ दिया है। अंजलि के परिवार का कहना है कि किसी को पता ना चले, इसलिए पड़ोसियों के घर की घुंडी कुंडी लगा दी गई। अब अंजलि का परिवार निधि पर शक जता रहा है, घर पर पुलिस पहरे की मांग कर रही है। करण विहार जहां अंजलि का अपना घर था, जहां वो अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ रहती थी, बीती रात वहां पर कुछ आरोपियों ने घर का ताला तोड़ दिया और इसकी जानकारी पड़ोसियों को ना लगे, इसलिए घर के बाहर से पड़ोसियों के घर के बाहर की कुंडी लगा दी गई। बात करने के लिए इस वक्त हमारी साथ अंजलि की माँ नानी जी हैं, उनसे जानेंगे कि आप बताइए, आप लोगों को कब जानकारी हुई इस बारे में? सुबह 7 बजे फोन आया था। आज किनका फोन आया था? पड़ोसी का फोन आया था कि तुम्हारे घर का ना ताला तोड़ दिया किसी ने, एक बार तुम आके देख लो। सर हमने पुलिस वालों को फोन किया, भी हमने 2 बच्चे भेजे हैं अपने। क्या क्यों तोड़ा, क्या को किसने तोड़ा, इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? हमने अभी, हमें ये नहीं पता, अब हमें ये भी पता है, हमें डर है कि क्या पता निधि है कहीं कोई सामान वगैरह ना रख दिया हो हमें फंसवाने के लिए, ताकि हमारा तो जब से आए हैं, जब से यहीं पे हैं हमारे बच्चे, अब गई है पुलिस, हमारे घर पे पुलिस का पैरा होना चाहिए जी वहाँ पे भी। तो पूरा परिवार जो अंजलि का है, माता जी, सब लोग यहीं पर? सब यहीं पे है जी, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है चूका, और अंजलि की मम्मी तो डायलिस पे गई हुई है, 3 दिन हो गए। हाँ, तो आपको पड़ोसियों से ये जानकारी मिली कि अचानक से ताला तोड़ दिया गया? हाँ, पड़ोसन ने फोन करा बेचारी ने, कहा तुम्हारे घर का ना ताला तोड़ दिया किसी ने, आके एक बार देख लो। तो हमने, हमारी हिम्मत नहीं बनी, हम अकेले जा नहीं सकते, हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस की गाड़ी आई, इसी वो हमारे बच्चों को लेके गई है, अभी गए हुए हैं, हम देखो क्या होता है। कोई आशंका, किसी पे कोई शक है आपको? शक तो जो पूरा सब क्या है, जो जिसको छोड़ दिया है निधि को, जब उसके घर में ये चीजें निकली, हमें क्या भरोसा ऐसे बंदों पे। तो आप अपने उस घर पे, करण विहार जहाँ अंजलि और परिवार रहती थी, वहाँ पे भी पहरा, पुलिस का प्रशासन पहरा मांग? हाँ जी, मैं भी वहाँ पे भी पुलिस का प्रशासन पहरा मांग रही हूँ, वहाँ पे भी पुलिस होनी चाहिए। तो ये अंजलि की नानी माँ है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी को फंसाने के लिए, इनके परिवार को फंसाने के लिए शायद उस घर में कुछ रख दिया गया होगा, जिसके बाद ये चाहती हैं कि वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी हो, ताकि वो जो घर है जहाँ अंजलि पहले रहा करती थी, वो भी सुरक्षित रहे। कैमरा पर्सन सी के सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो अंजलि का परिवार जो है, वो दिल्ली पुलिस के पहरे की मांग कर रहा है घर पर। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं संदिग्ध सहेली निधि के घर के बाहर से। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, अभी आपकी वो रिपोर्ट देखी हमने, निधि मुंह छिपाए हुए घर में दाखिल हो गई, दरवाजे सारे उसने घर के बंद कर लिए। सवाल ये कि आज सुबह जब निधिश्री यहां निधि के घर पर मौजूद थी, तब उन्होंने बताया था कैसे दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, दिल्ली पुलिस के लोग अंदर गए थे, उसके बाद क्या वो साथ में लेकर गए थे पूछताछ के लिए निधि को? दिल्ली पुलिस की टीम ही क्या यहां पर वापस छोड़कर गई निधि को? क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको एक बार फिर से हम दिखा दें, देखिए ये घर, देखिए ये यहाँ पर अंदर से बंद है रोवाना, ये खास बात है, ये खुला रहता था लेकिन इसको भी बंद कर दिया, और ये बंद इसीलिए हुआ है क्योंकि निधि हमारे सामने इसके अंदर घुसी, और ये गली आप देख रही, तेजी के साथ में इस गली से आई है वो, और जैसे ही देखा कि यहाँ पर मीडिया है, हमने पूछा भी, हमने बेसिकली हम समझना चाह रहे थे ड्रग कनेक्शन पे उसका क्या कहना है, लेकिन उसने बात नहीं की, और इसको भी बंद कर लिया है, अंदर ये भी गेट बंद है। पुलिस की टीम कुछ देर पहले यहां पर पहुंची थी, और हमारी जानकारी ये है कि पुलिस इसको अभी पूछताछ के लिए, चूंकि इसके पहले भी ले गई थी, पुलिस को एक बार फिर से कुछ चीजों को क्रॉस एग्जामिन करना है, वेरीफाई करना है, लेकिन उसका अभी टाइम तय नहीं है। मगर इस बीच में पूरी कोशिश निधि की है कि मीडिया के सामने ना पड़ने पाए, और इसके पहले भी यहां पर अभी हमने देखा कि वो किससे बात कर रही थी कि मीडिया वालों को हटाओ। बेसिकली वो अब, चूंकि बहुत सारे ऐसे खुलासे हो गए जिसको कि निधि ने छिपा के रखा हुआ था, और जब से ये खुलासे हुए हैं तब से वो लगातार इसी घर के अंदर कैद है। रोमाना, रहिए आप मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर अभिषेक की तरफ से दी जा रही है कि किस तरीके से निधि जो है वो मीडिया के सामने बिल्कुल आने से बच रही है, कतरा रही है, यहां तक कि अगर अंदर बाहर जा रही है घर से तो चेहरा भी अपना पूरा उसने ढका हुआ है। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, पूरा चेहरा ढका हुआ, सिर्फ आंखें नजर आ रही है, और चोरों की तरीके से अपने घर में दाखिल होकर दरवाजे उसने बंद कर दिए। तो ये तस्वीर, आज की तस्वीर है ये, इससे पहले आज दिल्ली पुलिस की टीम निधि के घर पर पहुंची थी,
और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि निधि को अपने साथ लेकर गई दिल्ली पुलिस की टीम, फिर से निधि से पूछताछ हुई है और फिर निधि को यहां दोबारा जब पुलिस की टीम छोड़कर गई, उसके बाद निधि अपने ही घर में बिल्कुल चोरों की तरह सबकी नजरों से बचती बचाती पहुंची और दरवाजा उसने खोला और झट से घर में अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।